हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है सरलीकरण, मींस सिंप्लीफिकेशंस, यानी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, किस क्या मेथड है, पहले जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, या पहले डिवाइड किया जाता है या मल्टीप्लाई, इस तरीके के अगर कई सिंबल्स लगे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, कौन से सिंबल को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सबसे सिंपल एक फार्मूला आपको मैं बताऊंगा, वो क्या है, बॉडमॉस का नियम। बॉडमॉस का नियम मीन्स रूल्स ऑफ बॉडमॉस। यहाँ पे बॉडमॉस के जो एक एक लेटर हैं, ये सारे एक एक लेटर के मीनिंग्स हैं, उन्हीं लेटर्स को हमें लर्न रखना है और इसी लेटर्स के जो मीनिंग्स हैं इनको लर्न करेंगे और इसी सिंबल्स को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये लेटर्स को सबसे पहले आप लोग को लर्न करना है, क्या है लर्न करने के लिए, बी ओ डी एम ए एस, बॉड मास। तो सबसे पहले बी मीन्स क्या होता है, ब्रैकेट, क्या होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट कई टाइप्स के होते हैं, तो अगर एक जगह पर कई ब्रैकेट्स दिए हों तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये किसी भी ब्रैकेट के ऊपर इस तरीके से रेखा लगाकर दिया जाता है, इसको रेखा ब्रैकेट या बार ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इस तरीके से इसका सिंबल बना रहेगा। ठीक है, या स्मॉल ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं। इसके बाद अगला आएगा मझला ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, जिसका सिंबल इस तरीके से बना हुआ है, या चौथा ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये इसका सिंबल इस तरीके से बना है। तो इस तरीके से ये आपके ब्रैकेट्स के टाइप हो गए हैं, चार टाइप्स के ब्रैकेट हैं। चारों टाइप्स में जो भी ब्रैकेट पहले नंबर पे आएगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर पे हमेशा रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, का मीन्स ऑफ, क्या आता है, का, जिसको इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। तो कहीं पर भी ऑफ लिखा हो या का लिखा हो तो उसका मीनिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट के बाद सेकेंड नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे। तो बी ब्रैकेट ओ ऑफ, ऑफ के बाद डी डिवाइड होता है। डिवीजन मीन्स क्या होता है, भाग, विभाजन करना। ठीक है, तो डिवाइड का सिंबल आप सभी लोग पहचानते हैं, डिवाइड कर देंगे। यानी अगर ऑफ और डिवाइड दोनों एक साथ आ जाए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ मीन्स भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पहले ऑफ वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। उसके बाद यदि कहीं मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स गुणा। ठीक है, तो डी डिवाइड के बाद क्या हो गया, एम मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या आता है, ए एडिशन। एडिशन मीन्स योग, जोड़ना। तो उसके बाद किस कौन से सिंबल को सॉल्व करेंगे, प्लस। ठीक है, प्लस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है एस सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना। तो इस तरीके से आपने ये देखा, सभी जो लेटर्स हैं उसके पहले अक्षर्स को यहाँ पर लिखा गया है। तो बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवाइड एम मल्टीप्लाई ए एडिशन एस सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से आपके ये आपके फार्मूला हो गया बॉडमॉस। और जहाँ पर भी ढेर सारे सिंबल बने हों वहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो सिंबल दिया रहेगा उस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगर उसके अलावा अगर कोई सिंबल तो होता नहीं है और ना आएगा। अगर कहीं पर ढेर सारे सिंबल आते हैं तो सबसे पहले बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवाइड एम मल्टीप्लाई एडिशन एस सब्ट्रैक्शन में जो सबसे पहले आता है हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए कुछ छोटे से फार्मूला हैं यहाँ पर, महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, और एलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन हैं, इसको भी हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में इस तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ए प्लस बी। तो इस पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। कैसे आता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फार्मूला लर्न है। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है,
सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है, ई स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको ये दिया हुआ है माइनस बी, ये इतनी चीज़ें आपको हर में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, ठीक है। ये तो ये आपका दिया हुआ है, तो ये आपका अंश और हर दोनों में आया, कैंसिल हो गया, तो बचे गया क्या, ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फार्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी, ये इसका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल ए प्लस बी। तो ये भी आपको इसी तरीके से रख लेना है, ए प्लस बी, जब अंश में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो अपॉन ए माइनस बी हो, तो ऊपर वर्ग अंतर का फार्मूला लग जाएगा, क्या आएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो माइनस नीचे दिया हो तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा ए प्लस बी। ऐसे ही अगर नीचे ए प्लस बी दिया होगा तो यहाँ पर ए प्लस बी की जगह यहाँ क्या जाएगा, ए माइनस बी। ये डिपेंड करता है आपका हर में क्या दिया हुआ है, तो ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना है कि हर में यदि ए माइनस बी दिया है तो आपका उत्तर आएगा ए प्लस बी, और हर में यदि ए प्लस बी दिया है तो आपका उत्तर आएगा ए माइनस बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फार्मूला क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट फार्मूला आपका दिया हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने वर्गांतर का फार्मूला बताया, पीछे आपने फार्मूला पढ़ा भी है। नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो आप बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको लर्न नहीं होगा। सेम ऐसे ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ तक के तो फार्मूला सिंपल थे, अब एक और फार्मूला हम लोग देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में क्या इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या दिया हुआ है, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी अपॉन सी हो तो क्या करते हैं, तो आपको ए यानी ऐसे लिख लेना है और मेन अपॉन यानी बटे में जो चिन्ह लगा उसको मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, और नीचे वाले बटे को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा, अंश ऊपर वाले बटे को सीधा और नीचे वाले को उल्टा, तो सी बटे में बी, तो अंश का मल्टीप्लाई अंश में ए सी हो गया अपॉन में बी, ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी है डिवाइडेड बाई ई बाई एफ है, तो इसके लिए भी हम लोग को ऐसे ही एक फार्मूला अप्लाई करना है जो अभी हमने ऊपर किया है। ए अपॉन बी ऐसे ही लिख लेंगे, भाग यानी डिवाइड को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में बदल लेंगे, और सी बाई डी क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा, तो डी बाई सी हो जाएगा। फिर डिवाइड का सिंबल लगा तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई में बदल लेंगे, और ई बाई एफ को क्या कर लेंगे हम लोग, ये भी आपका अंश को हर में, हर को अंश में कर लेंगे, तो एफ बाई ई हो जाएगा। तो अब अंश का मल्टीप्लाई अंश में, तो ए मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एफ आपका देखिए लिखा हुआ है, और बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ई लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो नेक्स्ट फार्मूला क्या दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला दिया हुआ है आपको, वितत भिन्नों को सदैव नीचे से ऊपर की ओर हल करना चाहिए, यानी अगर ढेर सारे आपके भिन्न दिए हुए हों तो उसमें हम लोग नीचे से हल करते हुए ऊपर आते हैं, ठीक है। एक ही भिन्न के बट्टे में भिन्न, भिन्न के बट्टे में भिन्न अगर दिया हुआ तो उसको हम लोग नीचे से हल करते हुए ऊपर आएंगे। तो अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही आराम से इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग समझ सकते हैं, जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा है बॉडमास और महत्वपूर्ण फार्मूले, इनका यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 25 × 63 / 7 + 27 - 2 का मान क्या होगा, यानी इसको सरल करना है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ाया था, सरलीकरण के लिए अगर कई सिंबल हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो यहाँ नहीं लगाया तो ब्रैकेट ख़त्म, तो अब कौन सा मेथड, ओ ऑफ, ऑफ भी नहीं लिखा हुआ है तो ऑफ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या, डी डिवाइड, तो डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है 63 और 7 के बीच में, तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। तो 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9, ठीक है, 7 × 9 = 63, ये 9 आ गया आपका। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 25 ऐसे ही लिख लेंगे मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ, डिवाइड का काम हो गया +27 - 2,
डी डिवाइड के बाद एम मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीफिकेशन किसका 25 और 9 का होगा, तो क्या हो जाएगा 25 और 9 225, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो 225 अब मल्टीप्लाई के बाद कौन आता है, ए एडिशन, तो एडिशन करते हैं तो 25 और 27 क्या आएगा 252 आएगा। एडिशन के बाद एस सब्ट्रैक्शन होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, तो माइनस टू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 250। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी आपका 250 राइट आंसर है, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा वर्ड मास का इस्तेमाल कैसे करना है और क्वेश्चन को कैसे सरल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है 2 (3)-4)-3)-2 और 3(-2) के ऊपर क्या लगा है, बार ब्रैकेट रेखा कोष्टक लगा हुआ है, का मान क्या होगा, यानी इसको सरल करना है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट से सॉल्व करना है, ब्रैकेट भी यहाँ पर 3 टाइप के ब्रैकेट दिए हैं, तो कौन सा ब्रैकेट, बार ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है। तो 3 - 2 क्या होगा 1, ये 1 हो गया, और उसके पहले जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो उसी तरीके से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका बची हुए चीज़ें हो गई। अब क्या करेंगे, रेखा ब्रैकेट के बाद कौन सा कोष्टक, छोटा कोष्टक, तो छोटे कोष्टक में क्या है 4 - 1 है, तो 4 - 1 = 3 और बाहर -3 और 3, छोटे ब्रैकेट का काम खत्म, तो छोटा ब्रैकेट भी हटा देते, अब बचा मझला ब्रैकेट और 2 - 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, छोटे मझले ब्रैकेट में 3 - 3 है तो दोनों 0 हो गया, और बचा क्या आपका 2 - 0 = 2, 2 - 0 = क्या आ गया 2, ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है 2। इस तरीके से छोटा बार ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, और उसके बाद बाहर की अगर बड़ा ब्रैकेट है तो सॉल्व करेंगे, और नहीं तो बाहर जो चिन्ह होगा उसको हम वर्ड मास के बाकी चिन्हों के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, निरपेक्ष मान, यानी जो ये आपकी दो खड़ी लाइन के बीच में यदि कोई संख्या लिखी जाए तो इसको हम पढ़ते हैं निरपेक्ष मान, और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं हल करने पर चाहे जो भी आए उसके बाहर हमेशा प्लस में वो अक्षर लिखते हैं, अगर अंदर एक्स माइनस एक्स आए तो बाहर इसका आंसर क्या आएगा एक्स, यही हमारा निरपेक्ष मान होता है। तो निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है 2 - 3 - 2 - 4 - 2 और निरपेक्ष मान क्लोज, का मान क्या होगा, निरपेक्ष मान इसका पूरे का बताना है। तो सबसे पहले हम लोग अंदर बर्ड मास का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद निरपेक्ष मान अपने आप हल हो जाएगा। तो बर्ड मास के चिन्ह में सबसे पहले बी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है नहीं, डी डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कहे करते हैं, 2 - 2 क्या हो जाएगा 4, ये लिख लिए, बीच में माइनस है लगा दीजिए, 3 और 2 के बीच में भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो यहाँ पर भी लगा, 3 - 2 = 6, फिर माइनस है माइनस है, 4 - 2 = 8, ये लगा लीजिए। अब निरपेक्ष मान आपका ये लग गया है, निरपेक्ष मान लगा लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ख़त्म तो क्या आता है एडिशन, एडिशन तो है नहीं तो पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा 4 - 6 क्या होगा 4 - 6 - 2 और - 8, ठीक है। तो -2 और -8 क्या हो जाएगा, -8 करते हैं माइनस का सिंबल आता है तो क्या जाएगा -10, 8 and 2 = 10 हो जाएगा, निरपेक्ष मान 10 निकालना है। तो कितना आएगा निरपेक्ष मान इसका, -10 का निरपेक्ष मान 10, अभी हमने बताया जब भी अंदर कुछ भी लिखा हो तो निरपेक्ष मान निकालते हैं तो क्या चिन्ह लगता है प्लस का, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका 10 लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 4 आपका दिया हुआ है
फाइव होल वन बाई फोर प्लस थ्री होल वन बाई एट डिवाइडेड बाई वन होल वन बाई फोर माइनस वन होल वन बाई फोर का सरलतम रूप क्या होगा, यानी इस पूरे को सरल करना है। तो फाइव होल वन बाई फोर को फोर फाइव जा ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन बाई फोर इस तरीके से, प्लस एट थ्री जा ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव बाई एट डिवाइड है तो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको चेंज कर ले, फोर वन जा फोर प्लस वन फाइव बाई फोर है तो फोर बाई फाइव, ठीक है, और माइनस फोर वन जा फोर प्लस वन फाइव बाई फोर। इस तरीके से फर्स्ट आपको मल्टीप्लाई था, डिवाइड था, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया, तो फाइव से कैंसिल हो, ट्वेंटी फाइव कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, फोर टाइम में, सॉरी फाइव टाइम में, और फोर से एट कैंसिल हो जाएगा टू टाइम में। अब बचा जो हुआ जो उसको लिख ले, ट्वेंटी वन बाई फोर प्लस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई फोर, एलसीएम ले लेते हैं, फोर टू फोर का एलसीएम फोर हो गया, फोर से फोर डिवाइड हुआ वन टाइम में तो वो ट्वेंटी वन यहाँ पर आ जाएगा, प्लस टू फोर जा तो फाइव टू जा टेन हो जाएगा, और माइनस फोर वन जा तो यहाँ पर फाइव आ जाएगा। अब क्या बचा, ट्वेंटी वन प्लस टेन ट्वेंटी थर्टी वन माइनस फाइव ट्वेंटी सिक्स बाई फोर, तो ट्वेंटी सिक्स बाई फोर कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, ट्वेंटी सिक्स मेरा टू से डिवाइड हो जाएगा तो टू से डिवाइड होकर ये थर्टीन बाई टू, तो टू आपका दो ऑप्शन में दिया हो तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो टू सिक्स जा ट्वेल्व प्लस वन बाई टू थर्टीन बाई टू हो गया, तो सिक्स होल वन बाई टू कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, सिक्स होल वन बाई टू जो कि आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है, सिक्स होल वन बाई टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका दिया हुआ है, फाइव प्लस फाइव मल्टीप्लाई फाइव होल अपॉन फाइव मल्टीप्लाई फाइव प्लस फाइव होल मल्टीप्लाई वन बाई फाइव डिवाइडेड बाई वन बाई फाइव का वन बाई फाइव और वन बाई फाइव का वन बाई फाइव डिवाइडेड बाई वन बाई फाइव का सरलतम रूप है, सरलतम रूप क्या है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर दो फ्रैक्शन दिया है, तो पहले फर्स्ट फ्रैक्शन अलग हम लोग सॉल्व करेंगे और सेकंड फ्रैक्शन अलग, दोनों फ्रैक्शन हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इस तरीके से दोनों फ्रैक्शन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें बॉड मास में ब्रैक पहले मल्टीप्लाई आता है, तो पहले मल्टीप्लाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव प्लस फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव अपॉन फाइव मल्टीप्लाई फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव हो गया, एक मल्टीप्लाई सेकेंड आपका फ्रैक्शन उसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले का होता है डिवाइड और का में किसको पहले सॉल्व करते हैं, ओ ऑफ यानी का, तो वन बाई फाइव को ऐसे लिखते हैं और डिवाइड को डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं, और यहाँ पर वन बाई फाइव मल्टीप्लाई वन बाई फाइव वन बाई ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, सेम ऐसे नीचे वन बाई ट्वेंटी फाइव पहले आ जाएगा और का सॉल्यूशन हो गया डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा वन बाई फाइव, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो फाइव प्लस फाइव फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव थर्टी और नीचे भी ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव थर्टी, फर्स्ट फ्रैक्शन आपका हो पूरा सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई वन बाई फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी फाइव, तो ये सॉल्व करेंगे वन बाई फाइव को वन बाई फाइव लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ट्वेंटी फाइव बाई वन हो जाएगा, सेम ऐसे वन बाई ट्वेंटी फाइव आइए आपका डिवाइड को मल्टीप्लाई में वन बाई फाइव से फाइव बाई वन हो गया, ठीक है, तो फाइव से ट्वेंटी फाइव कैंसिल होगा फाइव टाइम में और फाइव से ट्वेंटी फाइव कैंसिल होगा फाइव टाइम में, थर्टी थर्टी से कैंसिल होगा वन टाइम में, तो अब क्या आपका आया, थर्टी थर्टी से डिवाइड हुआ तो आपका आया आंसर वन मल्टीप्लाई वन बाई फाइव आपका न्यूमरेटर में आ रहा है और यहाँ डिनोमिनेटर वन बाई ट्वेंटी फाइव है तो ये चेंज होकर फाइव आ जाएगा, तो क्या हो गया, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी फाइव आपका आंसर हो गया ट्वेंटी फाइव। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो गया है ट्वेंटी फाइव, ठीक है, तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सॉल्व देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स दिया हुआ है, पाँच की घात एक बटे दो प्लस तीन की घात एक बटे दो फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट में पाँच की घात एक बटे दो माइनस तीन की घात एक बटे दो, तो आप देख रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का दिया, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पाँच
की घात एक बटे दो का स्क्वायर माइनस तीन की घात एक बटे दो का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पाँच की घात एक बटे दो का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा फाइव, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये भी टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। घातांक में आपने इसका फार्मूला पढ़ा है माइनस थ्री, तो फाइव माइनस थ्री क्या जाएगा टू, फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन आपका दिया हुआ है 2.6 मल्टीप्लाई बाई 2.6 माइनस 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 होल अपॉन 2.6 प्लस 2.4। तो इस क्वेश्चन में आप ऊपर देखेंगे 2.6 आपका दो बार दिया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.6 का होल स्क्वायर माइनस 2.4 का होल स्क्वायर लग जाएगा अपॉन में 2.6 प्लस 2.4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लग जाएगा, तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या बचेगा, प्लस कैंसिल तो बचेगा माइनस में, तो आंसर आएगा 2.6 और माइनस 2.4, तो माइनस 2.4 हम लोग ऐसे लिख देते हैं, सबट्रैक्ट भी हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 आपका आएगा 2 दशमलव 0, तो 0.2 आंसर आएगा। तो 0.2 कौन सा आंसर आया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, तो ये भी सिंपल है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, 0.347 आपका 3 टाइम मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यूब में, प्लस 0.9653 का होल क्यूब लिखा हुआ है, होल अपन 0.0347 का होल स्क्वायर माइनस 0.347 मल्टीप्लाई 0.9653 प्लस 0.9653 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में हो ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट आता है ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट आता है ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो आपके अंश और हर कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ए के प्लेस पे क्या दिया हुआ 0.0347 और बी आपका क्या दिया हुआ है 0.9653। अब इन दोनों के बीच में क्या साइन बचा, प्लस का, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, प्लस बचा, तो इसको हम लोग एडिशन कर देंगे, तो एडिशन करते हैं तो क्या आंसर आएगा 7 3 0 10 10 का जीरो लिखेंगे, 5 + 4 9 9 + 1 आपका जो हासिल था वो 10 हो गया, जीरो आपका आया, फिर 3 + 6 9 9 और 1 आपका जो हासिल यानी कैरी दिया हुआ था वो 10 फिर से 0 हो गया और 1 आपका इसमें आ गया 9 + 1 10 को तो 0.1, तो 1 पॉइंट क्या आया 0, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर आया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपको इस तरीके से इसका भी फार्मूला भी आपको पीछे बताया गया महत्वपूर्ण सूत्र में, वहाँ से आपको फार्मूला डाल रखना है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पे मेथड आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं आपको केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, एनी मेथड, जितने भी छोटे से छोटे मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं और जितना जल्दी सॉल्व कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। किसी क्वेश्चन में यदि आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है 1 - 1/2 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 1 - 1/3, थर्ड ब्रैकेट 1 - 1/4 एंड फोर्थ ब्रैकेट, ऐसे आप देख रहे हैं 1 - 1/10 तक आपको 10 टाइम्स दिया हुआ है, का मान क्या है बताना है। यानी पहले ब्रैकेट के अंदर 1 के साथ 1 - 2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके से घटाना, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आंसर आएगा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने बताया था फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो 2 1 - 1/2 में फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, एलसीएम आएगा 2,
टू वन जाए टू माइनस वन, तो आ जाएगा वन बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम सारे फ्रैक्शंस को सॉल्व करें तो आपके आंसर क्या आएंगे, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर क्या है, वन बाई टू, मल्टीप्लाई कौन आएगा, थ्री वन जा थ्री प्लस वन, तो थ्री माइनस वन क्या आ जाएगा, टू बाई थ्री। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या आएगा, फोर वन जा फोर माइनस वन, फोर माइनस वन बाई फोर है, तो फोर माइनस वन क्या आएगा, थ्री, तो थ्री बाई फोर। इस तरीके से आप जब तक लगाते जाएंगे, टेन टाइम्स लिखेंगे तो फोर बाई फाइव, फाइव बाई सिक्स, इस तरीके से आपको कितना लिखना है, नाइन बाई टेन तक। तो इस तरीके से आप देखेंगे नाइन इसके पहले वाले नाइन से और सारे नंबर्स कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, वन बाई टेन, वन बाई टेन इसका आंसर आएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना, एक पैटर्न आप देखना दिया हुआ है, फाइव बाई सिक्स, सिक्स बाई सेवन, सेवन बाई एट, इस तरीके से लिखते जाएंगे, और ये आपके पहले वाला नाइन दूसरे वाले से इस तरीके से सारे नंबर्स कट जाएंगे, तो लास्ट में आपका बचेगा टेन और फर्स्ट वाला आपका बचेगा वन। तो क्या आंसर आ गया, वन बाई टेन। तो वन बाई टेन कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है, 0.88 मल्टीप्लाई 0.8 माइनस टू मल्टीप्लाई 0.88 मल्टीप्लाई 0.68 प्लस 0.68 मल्टीप्लाई 0.68 का बटे 0.88 माइनस 0.68 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अगर इसको हम लोग एक फार्मूले की तरीके से यहाँ पर 0.88 को ए कंसीडर कर ले, तो ये दो बार मल्टीप्लाई है तो ए स्क्वायर माइनस टू, और इसको अगर हम बी कंसीडर कर ले तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ए बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो नीचे भी आपका ए माइनस है बी है, कैंसिल हो जाए, तो बचेगा क्या, माइनस कैंसिल, तो बचेगा एक बार ए माइनस बी, तो बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ गया। तो ए की वैल्यू क्या है, 0.88 आएगा, और 0.68 बी की वैल्यू है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, 8 माइनस एट जीरो, 8 माइनस सिक्स 2.0, तो आंसर क्या है, 0.20 मीन्स 0.2। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट आंसर आया है, 0.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ, वितत भिन्न दिया हुआ है। वितत भिन्न यही होता है जिसमें बटे के बटे में ढेर सारे बटे दिए हों, एक के नीचे एक। तो सबसे पहले हम सबसे नीचे से हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया, वन अपान वन सिक्स मल्टीप्लाई वन बाई एट डिवाइडेड बाई वन अपान वन माइनस सेवन बाई एट प्लस फाइव बाई सिक्स का सरलतम रूप क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको हल करना शुरू करेंगे और सबसे नीचे से हल करेंगे। फाइव बाई सिक्स को अभी हम लोग वहीं पे लिखा रहने देते, तो क्या आएगा, वन अपान सिक्स के प्लेस पर सिक्स मल्टीप्लाई वन, एट के प्लेस पे एट, डिवाइड के प्लेस पे डिवाइड हो जाएगा, और वन अपान वन माइनस सेवन बाई एट को हल करें, एट वन जाए एट माइनस सेवन, तो वन बाई एट आ जाएगा, ठीक है। और वन बाई एट का अभी रेसिप्रोकल करेंगे तो वन मल्टीप्लाई सिक्स तो वही रहेगा, मल्टीप्लाई भी रहेगा, वन रहेगा, एट रहेगा, डिवाइड रहेगा, और क्या होगा, वन बाई वन अपान एट को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, एट। अब ये एट से एट डिवाइड होगा तो क्या जाएगा, एट से एट डिवाइड होगा तो क्या आएगा, वन, तो वन बाई वन आया, तो सिक्स मल्टीप्लाई आपका वन हो जाएगा, तो क्या आ गया, वन बाई सिक्स। बचा हुआ है फाइव बाई सिक्स, प्लस में है वितत भिन्न के साथ, तो प्लस में फाइव बाई सिक्स लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 बाई सिक्स और 1 बाई सिक्स को एडिशन करेंगे, तो यहाँ का डिनोमिनेटर यानी कि हर समान है, तो एलसीएम आपका 6 आएगा और 5 प्लस 1 एडिशन हो जाए 6, 6 बाई सिक्स, तो 6 बाई सिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 बाई सिक्स मीन्स 1। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो गया, 6 बाई सिक्स इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे, सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। कि इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है
या ऐसे किसी क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड है नहीं आते हैं तो उसको आप लोग ज़रूर बताइए, उसको आप लोग को सॉल्व किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।